आए दिन राजौरी में सड़क हादसा रोनमा होते हैं, लेकिन फिर भी कंसर्न महकमा की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही। ये आप मिनी बस देख रहे हैं कि किस तरह से ओवरलोड है, लेकिन फिर भी महकमा ट्रैफिक की तरफ से कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। ये मिनी बस थाना मंडी से राजौरी की तरफ जो है वो पहुंची है। राजौरी में ये ओवरलोड बस आप देख सकते हैं, लेकिन महकमा ट्रैफिक पुलिस जो है वो गफलत की नींद में है। याद रही कि जिला राजौरी में बुद्दल व कोटरंका इलाका में एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई, जिसका नंबर आप ये देख सकते हैं JK110836। ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जिसमें 3 लोगों की अब तक जाने चली गई हैं, वहीं कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन इसकी बात करें तो इस गाड़ी का स्टेटस जो है वो व्हीकल स्टेटस फिटनेस जो है वो एक्सपायर्ड है, लेकिन महकमा की तरफ से तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है। ये एक्सपायर्ड जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, ये ऑनलाइन मोड से कलेक्ट की, लेकिन इसके ऊपर जब हमारी बात मुतलका अफसरान के साथ हुई तो उनका कहना था ये एक्सपायर्ड ऑनलाइन शो कर रही है, लेकिन ऑफलाइन जो है वो डॉक्यूमेंट मुकम्मल है। सवाल ये है कि आखिर ऑनलाइन मोड पे डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल क्यों नहीं है। हालांकि जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन पे वो फिटनेस जो है वो बिल्कुल एक्सपायर्ड बता रही है। वहीं मकामी लोगों की तरफ से भी इल्ज़ामात आयद किए गए कि बुद्दल कोटरंका इलाके में जो बस हादसे का शिकार हुई वो ओवरलोड थी। लोगों की तरफ से इल्ज़ामात किए आयद किए गए। राजौरी की बात करें तो राजौरी से थाना मंडी ये गाड़ी जो इस वक्त थाना मंडी से राजौरी जो है वो पहुंची है और पूरी तरह ओवरलोड, लेकिन महकमा ट्रैफिक की तरफ से कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। इस मतलब जिला राजौरी में भी लगातार लोगों की तरफ से मतलका महकमा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सोशल एक्टिविस्ट जनाब नजम मीर का क्या कहना है सब पे आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जो कल हादसा हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, उनके साथ हैं हम, मगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम बताना चाह रहे हैं, RTO साहब राजौरी बैठे हुए हैं, जो गाड़ियां जो हैं कल की जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उसके तो डॉक्यूमेंट ही एक्सपायर हुए हैं। ऐसी गाड़ियां जो हैं वो रोडों पर चढ़ रही हैं, मगर ट्रैफिक वाले उनको पूछने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ क्या है पैसा देना है तो गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। RTO साहब जो हैं वो नाका लगा रहे हैं। RTO साहब को कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम इनके डॉक्यूमेंट तो चेक करें, एक्सपायर गाड़ियों की जो है इनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है, एक्सपायर हुई हैं, रोड पर चल रही हैं। आप ये देखिए ट्रैफिक वाले सिर्फ क्या है वो चलान करने पर ई चलान हो गया, ये हो गया, नाके लगा रहे हैं। कम से कम उनको पकड़ो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो कि ये गाड़ियाँ जो हैं इनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो हैं भी या नहीं है। आज भी मैं आ रहा था मंडी से, गाड़ियाँ जो हैं थन्ना मंडी की तरफ मंजाकोट की तरफ देखिए आप, ओवरलोड गाड़ियाँ, छत्तू में भी बैठे हुए बंदे हैं मगर वहाँ पे कोई नहीं। ये ट्रैफिक वाले वहीं बैठते हैं जहाँ उनको कमाई है, वहीं नाके लगाते हैं जहाँ उनको जो पता है कि वहाँ पैसे लेने हैं तो बस गाड़ियाँ छोड़ देनी है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहता हूँ, RTO साहब को राजौरी के मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो विदाउट डॉक्यूमेंट जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए।